नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम एक सीरीज को प्रारंभ किए हैं जिसमें वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ मिलकर इस तैयारी को मूर्त रूप दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न बैंक जारी की है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हल तो हैं परंतु डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के हल नहीं दिए गए और उन्हीं को हल करने की हमारी तैयारी चल रही है। तो चलिए इस प्रश्न को, इस पूरी की पूरी तैयारी को मूर्त रूप देते हैं और आज हम देखते हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के द्वितीय चैप्टर को, सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में जनन। अगर हम पुष्पी पादपों में जनन की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है। निषेचन क्रिया है, फर्टिलाइजेशन क्या है? अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या है उसके पहले हम समझ लें कि फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसके ऑप्शंस क्या दिए, देखिए, ये एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन और बीजांड से बीज का निर्माण। तो जैसा अभी हमने कहा, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन या फ्यूजन जो है वह निषेचन क्रिया है, अतः इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ। और दूसरे प्रश्नों की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि द्विनिषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मुख्य विशेषता है, अर्थात आवृतबीजी पादपों की मुख्य विशेषता है, अतः इसका सही जवाब क्या होगा? आवृतबीजी। तीसरा प्रश्न देखिए, जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। जायांग प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सबसे ऊपर का जो भाग है स्टिग्मा कहलाता है, बीच का जो भाग है स्टाइल कहलाता है, जबकि सबसे नीचे वाला जो भाग है वो ओवरी कहलाता है, और सबसे ऊपर वाले भाग में ही आकर परागकण गिरते हैं, अर्थात स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, और स्टिग्मा को हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, इसे कहते हैं अनिषेचक फलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी, आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी, इस फिनोमिना को देने का जो श्रेय जाता है वो नवाश्चिन को जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवाश्चिन है। इसके बाद गुरु बीजाणु जनन से बने चार गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, गुरु बीजाणुओं की जो संख्या होती है, क्रियाशील गुरु बनते चार हैं परंतु क्रियाशील कितने होता है? एक होता है, तो यहां पर ये एक इसका सही जवाब है। भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं, भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। आपके जवाब के लिए यहाँ ऑप्शंस दिए गए, सहायक कोशिकाएं और प्राथमिक भ्रूण कोशिका, सहायक कोशिकाएं और प्रतिध्रुव कोशिका, प्रतिध्रुव कोशिका एवं प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, अंड कोशिका एवं प्रतिध्रुव कोशिका। और इसका सही जवाब है सहायक कोशिका एवं प्रतिध्रुव कोशिका। अगर आप देखिए ये स्ट्रक्चर देखें, ये भ्रूण कोष की स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर एक सेल्स होती है, इसकी दो सहायक कोशिकाएं होती है, ऊपर की ओर देखें तो एंटीपोडल सेल्स होती है, प्रति ध्रुव कोशिकाएं होती है, और बीच में जो है द्वितीयक केंद्रिकाएं होती है।
तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर जो है 7 कोशिकाएं होते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 केंद्रक होते हैं, और इनमें से एक सेल्स और जो द्वितीय केंद्रिका है ये फ्यूजन, इनके साथ फ्यूजन हो जाता है। तो बाकी बची कौन कौन सी, ये सहायक कोशिका और प्रतिध्रुव कोशिका, तो ये कोशिकाएं नष्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, यहीं पर आप देख लीजिए 3, 3, 6 और ये 2, 8। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 8। पेरी स्पर्म होता है, पेरी स्पर्म ये अपमिश्रण होता है, ठीक है, ये इसका सही जवाब क्या होगा, अपमिश्रण होता है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं उन प्रश्नों को जो रिक्त स्थानों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न दिया है बीज में भ्रूण कोश का प्रमुख कार्य होता है, ये जो जब सेकेंडरी यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो जब सेकेंड मेल गैमेट द्वितीय सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज्ड होता है तब ऐसी अवस्था में यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश मतलब पोषण देने वाला, तो इसके अंदर संग्रहण किसका होगा भाई, भोजन का संग्रहण होता है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी परागण शब्द आए तो जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी का यूज करें, है ना। यहाँ पर आप पक्षी परागण लिखकर अपनी इतिश्री नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का यूज करें, ऑर्निथोफिली, ठीक है। सेब खालिस्तान फल का उदाहरण है, मिथ्या फल आपको याद होगा, मिथ्या फल हमने पिछले वीडियो में इसकी बात किए थे, मिथ्या फल की, कि जब ओरी के अलावा अन्य भाग भी फल निर्माण में भाग लेते हैं तब ऐसे फलों को क्या कहते हैं, मिथ्या फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में खालिस्तान से फल का विकास होता है, जो ओरी या अंडाशय है उससे फल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का के एक बीज पत्र को खालिस्तान कहते हैं, उसे स्कूटेलम कहा जाता है, स्कूटेलम। इसके बाद खालिस्तान में चतुर्थी पुंकेसर पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब है सरसों, सरसों में 4 पुंकेसर पाए जाते, ठीक है। इसके बाद आवृत बीजी पौधों में खालिस्तान, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर नर खालिस्तान है, नर जननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके बाद साल्विया में खालिस्तान परागण होता है, किसके द्वारा परागण होता है भाई, कीटों के द्वारा परागण होता है। वहीं पर जो पराग कण की बाह्य भित्ति खालिस्तान कहलाती है। देखिए पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है वह बाह्यचोल या एक्जाइम कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और इस स्पोरोपोलेनिन की बने होने के कारण ही यह, अगर मान के चलिए किन्हीं कारणों से ये दब गए, भूमि के अंदर दब गए, तब ऐसी अवस्था में परागकण का ही प्रिजर्वेशन होता है, वो जीवाश्म के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया, बीज रहित फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, बीज रहित फल बनने की क्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में यहां पर हमारे पास 4 यहां पर जो प्रश्न है उन प्रश्नों की बात करें तो बोल रहा है, पहला प्रश्न, पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। तो पुष्प की अगर हम बात करें तो 4 चक्र में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बाहर की ओर बाह्य दल, फिर दल, फिर पुमंग और फिर जायांग। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर होते हैं, इनमें से बाह्य दल और दल जो है सहायक जनन अंग है, जबकि जायांग और पुमंग जो है वो मुख्य जनन अंग के रूप में होते हैं। इसके बाद देखिए, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके लिए पॉलीकार्पिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर मैंने बहुवर्षीय लिखा हुआ है, यहां पर इसका सही जवाब आना चाहिए पॉलीकार्पिक। जो जीवन में कई, हालांकि ये पौधे कैसे होते हैं, बहुवर्षीय पौधे, तो बहुवर्षीय भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहां पे मुख्य रूप से आना चाहिए पॉलीकार्पिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए, बीज के बाहरी आवरण का नाम, उसको हम बाह्य आवरण को बीजचोल कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाह्य दल पुंज तथा दल में कोई अंतर नहीं होता,
तब इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए दलाप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पेटेलॉइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण का नाम लिखिए। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे चिरेप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चिरेप्टोफिली। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ये फिर एक बार प्रश्न आ गया है। पार्थेनोकार्पी या अनिषेचक फलन कहते हैं। अनिषेचक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? अनिषेचक जनन द्वारा बीज रहित फल का निर्माण होता है। यहां पर एक बार एक और क्वेश्चन जो इसके पहले आया था वहां पर देख सकते हैं आप कि बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन, जहां पे मैंने पार्थेनोकार्पी कहा था, ये दोनों शब्दों के लिए जरा बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है ना? बीज रहित फल बनने की क्रिया अनिषेचक जनन, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बनने की क्रिया पार्थेनोकार्पी। चलिए आ